हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बायनोमियल थ्योरम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को एक्स का कोफिशियंट फाइंड करना रहता है। जैसे हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग को कोफिशियंट फाइंड करना है ऑफ एक्स पावर 15 इस एक्सपांशन में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 10। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक्स पावर 15 का कोफिशियंट निकालना है इस टर्म में। लेट एक्स पावर 15 अकर इन टी आर प्लस वन अथ टर्म। जी हाँ, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टी, हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो इसी हिसाब से वाला क्वेश्चन होगा। हमने ये x पावर 15 को लेट कर लिया कि ये r प्लस वन टर्म होगा इसमें, x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 10 इस टर्म में। तो x पावर 15 के लिए टी आर प्लस वन एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे। n यहाँ पे क्या हम लोग को देखना होगा, इस क्वेश्चन में n है 10, यहाँ पे 10 है तो n यहाँ पे है, हम इसकी जगह हम 10 लिख देंगे। फिर c r एज इट इज़ हम ऐसे लिख देंगे। x यहाँ पे देखना होगा, ये है x एज इट इज़, एक्स एन माइनस आर, एन लेकिन 10 है, 10 माइनस आर। वाई यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर आर। आर तो हम लोग को अभी पता नहीं, आर एज इट इज लिख देंगे। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू 10 सी आर एक्स एक्स पावर 10 माइनस आर, और ये माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे। एक्स हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर टू आर माइनस वन पावर आर। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 सी आर एक्स पावर 10 माइनस आर। हम लोग देख सकते हैं ये एक्स सेम है, एक्स सेम है, तो जो डिग्रीज हैं वो प्लस में हो जाएंगी। ये फार्मूला होता है वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये फार्मूला होता है। ये बेसिस, ये मतलब एक्स सेम है तो इन दोनों की जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी इंटू में, मतलब। तो 10 माइनस आर प्लस टू आर माइनस वन पावर आर। तो टी आर प्लस वन हमारे पास आ गया 10 सी आर टू आर माइनस आर, ये माइनस है, टू आर माइनस आर 10 प्लस आर एक्स पावर 10 प्लस आर माइनस वन पावर आर। अब ये जो एक्स पावर 10 प्लस आर आ रहा है उसको हम लोग रिलेट कराएंगे एक्स पावर 15 से। तो x पावर 15 से अगर हम रिलेट कराएं, x पावर 15 इक्वल टू x पावर 10 प्लस r, हम देख सकते हैं ये x और ये x फिर से सेम है। तो 15 ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो 15 इक्वल टू 10 प्लस r, तो r की हमारे पास वैल्यू आ गई, 10 इधर है माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 5 आर इक्वल टू 5। हम लोग इसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी तो इसके कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी हम लोग इसमें पुट कर देंगे 10 सी आर में, 10 सी आर ये हमारा कोफिशिएंट है, 10 सी आर कोफिशिएंट हम लोग का, इसके कोफिशिएंट की वैल्यू तो निकालनी थी। तो 10 सी आर और माइनस वन, हम लोग एक चीज़ नहीं भूलनी है, माइनस वन भी कोफिशिएंट ही है। तो माइनस वन पावर आर, आर हम लोग निकाल चुके हैं 5 है, तो 10 सी 5 और माइनस वन पावर 5। जो भी होगा ये ऑड पावर है, तो जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा, हम लोग को पहले बता चुका है। तो माइनस और ये 10 सी 5 इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्रेंड्स होती है वो 252। तो ये हम लोग का कोफिशिएंट है, हम लोग को इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालना था एक्स ऑफ एक्स पावर 15 एंड एक्सपेंशन जो कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 10। तो एक्स तो हम लोगों ने लेट किया एक्स पावर 15 अकर इन टी आर प्लस वन वन एट टर्म, ऐसे टी आर प्लस वन को लेगा, ये फार्मूला हम लोगों ने लगाया, ये फार्मूला हम लोग का ये फार्मूला लगाया, उसी हिसाब से ये सॉल्व कर देगा टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर। ये इसको रिलेट कराया एक्स पावर 15 से क्योंकि एक्स पावर 15 का हम लोग को कोफिशिएंट निकालना था, इक्वल टू एक्स पावर 10 प्लस आर। आर की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, 10 सी आर कर दिया, ये कोफिशिएंट जो जिसमें था इसमें क्वेश्चन में जितने भी कोफिशिएंट थे आर की वैल्यू रख दी और हम लोगों ने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बस आज के लिए इतना ही।